अपकमिंग मूवी एक विलन टू और क्या होने वाली है इस मूवी की स्टार कास्ट। आइए आज की वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब जानते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में, जहां मैं लेके आई हूँ फिर से एंटरटेनमेंट जगत की कुछ खबरें आप तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक विलन के सीक्वल की, यानी कि एक विलन टू की। इस मूवी को गुलशन कुमार की टी सीरीज और साथ ही साथ बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर बनाया जाएगा। इस बार इस फिल्म को फिर से निर्देशित करने वाले हैं मोहित सूरी, और इसीलिए एक फिल्म की इतनी प्यारी सुपरहिट लाइन स्टोरी लाइन के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस चीज़ के बारे में इंस्टाग्राम पर ले जाते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला कि एक हीरो की कहानी सबको पता होती है, पर क्या विलन की पता है? और इसके साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारे र्यूमर्स को भी एक एंड देते हुए बताया कि इस बार उनकी मूवी 11 फरवरी 2022 यानी कि अगले साल रिलीज़ होने वाली है। उन्होंने मूवी की अनाउंसमेंट फरवरी के महीने में की और साथ ही साथ में बहुत सारे र्यूमर्स को भी ख़त्म किया। सबसे पहले ये मूवी चर्चा में थी क्योंकि लोगों को लगा था कि इस बार भी मलंग का वो फैंटेस्टिक डुओ यानी कि दिशा पटानी और आदित्य रॉय कपूर एक साथ फिर से दिखने वाले हैं। यह मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली थी और इसीलिए लोग उस डुओ को दोबारा से देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे। हालांकि बातों के तबरा पता चला है कि शायद मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर के बीच हुई अनबन की वजह से आदित्य रॉय कपूर ने इस मूवी से वॉकआउट करने का फैसला लिया है। अब अगर बात करें फिल्म की कास्ट की, तो इस बार फिल्म की कास्ट मल्टी स्टार होने वाली है और इस बार मूवी में जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया, दिशा पटानी और अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। एक विलन टू की इस स्टोरी को एक विलन रिटर्न्स कहा जाएगा, जिसके बारे में एक्टर्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ पोस्ट किया था और साथ ही साथ में दोनों एक्टर्स यानी कि जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा कि इस स्टोरी का हीरो एक विलन है। वहीं तारा सुतारिया और साथ ही साथ में दिशा पटानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि आपको निराश नहीं होने देंगे। अब आप इस डुओ को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये बात तो मैं भी जान सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ। अब अगर बात करें इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, तो मोहित सूरी ने बताया कि वो फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि इस तरह लोगों का सस्पेंस और लोगों का इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, जो कि वो रियन नहीं करना चाहते। साथ ही साथ में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर प्रेशर तो हमेशा ही रहता है क्योंकि उन्होंने पहले भी सीक्वल्स पे काम किया हुआ है, जैसे कि आशिकी 2। और साथ ही साथ में उनका ये कहना है कि इस मूवी में भी उनके ऊपर प्रेशर है क्योंकि पिछली बार श्रद्धा कपूर और साथ ही साथ में इतने बेहतरीन कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा के डुओ को लोगों ने बहुत प्यार दिया था। वहीं जहाँ रितेश देशमुख एक नेगेटिव रोल में नज़र आए थे, इस तीन के ट्रायो को लोगों द्वारा बहुत प्यार मिला था, इसलिए लोगों के बेंचमार्क को ओरिजिनल फिल्म से भी ज़्यादा हायर ले जाना उनका काम है और उनका मानना है कि वह इस चीज़ के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अगर आपको बताएं तो 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड के बाद पहली बार अर्जुन कपूर और मोहित सूरी का ये डुओ एक साथ ऑन स्क्रीन दोबारा नजर आने वाला है। इसके अलावा फिल्म के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कुछ कहानियाँ हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप करें वीडियो को लाइक और शेयर। आप हमें बताएं कि इस नई जोड़ियों को लेकर आपकी क्या राय है और आप कितना बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार कर रहे हैं। और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि हम ला सकें फिल्मी जगत की सारी खबरें आप तक रोज़ाना।